नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं YouTube की A to Z सेटिंग्स 423 2023 इन फ्यूचर में आने वाला है। काफी फीचर्स आ चुके हैं, काफी फीचर्स आने वाले हैं और काफी फीचर्स और लेट आएंगे। आज मैं आपको YouTube की A to Z सेटिंग्स बताने वाला हूं कि क्या कुछ नया फीचर्स है, क्या कुछ नया आया है, क्या नया आने वाला है। आई थिंक अगर आप YouTube की A to Z सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं यूट्यूब की A to Z सेटिंग्स। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं, तो ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube की A to Z सेटिंग्स क्या है। अगर आप YouTube का यूज़ करते हैं, वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं YouTube की A to Z सेटिंग्स। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें आपको YouTube की सभी सेटिंग्स, YouTube की A to Z सेटिंग्स, YouTube की ऑल सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद एंड नॉलेजेबल रहने वाली है। तो आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ये YouTube की जो एप्लीकेशन है कुछ इस टाइप से यहाँ पर नज़र आ जाती है। हम इसे सिंपली ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर थ्री डॉट्स ऑप्शन, मतलब आपका लोगो आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से आपके चैनल का नाम ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक फर्स्ट ऑप्शन आएगा योर चैनल, इस जगह पर आपको आपका चैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने चैनल नहीं बना रखा है तो वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपने अगर चैनल बना रखा है तो योर चैनल देखने को मिलेगा। यहाँ टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड देखने को मिलेगा। अगर आप इनकॉग्निटो मोड को यूज करते हुए कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड का अर्थ ये होता है कि आप इनकॉग्निटो मोड के अंदर कुछ भी सर्च करें, उसमें कुछ भी अगर आपने सर्च कराए तो वो आपकी सर्च हिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। या नीचे आपके सामने एड अकाउंट, अगर आप एक YouTube के जरिए काफ़ी अकाउंट बनाकर एक ही स्मार्टफोन में चलाना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शनशिप ले रखी है तो गेट YouTube प्रीमियम पर आपको जाना होगा। नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है परचेज एंड मेम्बरशिप्स, परचेज एंड मेम्बरशिप्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अगर आपने कोई मेम्बरशिप परचेज कर रखी है तो वो डालनी है। इसके बाद दोस्तों, नीचे एक ऑप्शन आएगा टाइम वॉच्ड, यहाँ पर अगर आपने YouTube पर कितना टाइम वॉच किया है, कितना क्या खर्च करा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर योर डेटा इन YouTube आपको देखने को मिलेगा, आपका YouTube का डेटा, और नीचे आपके सामने सेटिंग्स देखने को मिलेगी। तो चलिए सेटिंग्स पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से ओपन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास जनरल सेटिंग्स आएगी, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर रिमाइंड मी टू ब्रेक टाइम, मतलब अगर आपने इसमें कोई ब्रेक लेना चाहते हैं वो टाइम आप यहाँ पर रिमाइंड कर सकते हैं, ये कितने मिनट बाद ब्रेक आना चाहिए। इसके बाद में रिमाइंड टू बेड टाइम, आपका कौन सा टाइम बेड है, यानी जो सोने का टाइम हो या कोई ऐसा टाइम हो जिस पर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं यूट्यूब को, वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में अपीयरेंस के अंदर आप अपनी थीम को चेंजेज कर सकते हैं, जैसे डार्क लाइट कुछ भी थीम करनी है। यहाँ पर आपको प्ले फीड को देख सकते हैं कि इसको आपको ओनली वाईफाई से ही प्ले हो या किससे प्ले हो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप डबल टैप टू स्किप, डबल टैप में जैसे स्किप होता है तो आपको दो बार टेप में क्या 10 सेकंड बढ़ाना चाहते हैं, 5 सेकंड बढ़ाना चाहते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, वो चेंजेस कर सकते हैं। नीचे आपके जब भी YouTube वीडियोस को देखें क्या फुल स्क्रीन आए तो वो यहां से आप चेंजेस ले सकते हैं। नीचे आपके सामने अपलोड योर वीडियो, यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियोस को एनी नेटवर्क से अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ओनली वाईफाई से करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे आपके सामने लोकेशन इन इंडिया देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड एंड यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से ब्रेक निकलते हैं डेटा सेविंग के अंदर, अगर आप यूट्यूब का डेटा को सेव करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं तो वो देखने को मिलेगा। नीचे की ओर आपके सामने ऑटो प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे आपके सामने वीडियो क्वालिटी की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, आप क्या परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। नीचे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आपने कुछ YouTube पर डाउनलोड करना चाहते हैं उसको एडजस्टेबल यहां से कर सकते हैं, जैसे उसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए यहां पर देख सकते हैं। यहां से अगर आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, माने कि आप हमेशा 1080p पर रखना चाहते हैं या फिर आप इसको कम FPS में रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या ओनली वाईफाई से डाउनलोड हो वो एडजस्टेबल कर सकते हैं।
नीचे आपके सामने वॉच ऑन टीवी, अगर आप जो टीवी पे वॉच करना चाहते हैं मोबाइल के जरिए वो छेड़ सकते हैं। फिर स्ट्रेन प्राइवेसी को आप यहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रेन प्राइवेसी के अंदर दोस्तों आपको यहाँ से हिस्ट्री को क्लीन करना है, वॉच हिस्ट्री जो आपने देखी है वो किसी को पता ना चले तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रेस करना है और आपकी वॉच हिस्ट्री यहाँ से क्लीन हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से कि आपकी सर्च हिस्ट्री भी क्लियर होनी चाहिए, सिंपली यहाँ पर क्लिक करो आपकी सर्च हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी। क्या वॉच हिस्ट्री सर्च हिस्ट्री को आप पॉज करना चाहते हैं ताकि कभी आपका ये सर्च हिस्ट्री वॉच हिस्ट्री मेड ना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आपके सामने ट्राई टू न्यू फीचर्स, यहाँ से अगर आप यूट्यूब के नए फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ये फीचर्स जो आपको फर्स्ट में ही मैंने बता दिया है वो है नीचे नोटिफिकेशन का फीचर्स है, यहाँ कनेक्ट टू ऐप्स का फीचर्स है, लाइव चैट का फीचर्स आपको देखने को मिलता है, नीचे कैप्शन फीचर्स देखने को मिलता है। ये कुछ इस टाइप का फैशन फीचर्स है जो आपको यूट्यूब वीडियोस के देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सभी फीचर्स वाली ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो यार आप हमारी ये वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचाने के लिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।